तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं बर्फी और आप सबका स्वागत है मेरी हार्डकोर सॉल सीरीज के एपिसोड नंबर 34 में। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने काफी टाइम के बाद एक एपिसोड को अपलोड किया है, लेकिन गाइस मैं माइनकॉन के बाद काफी बिजी हो गया था। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस बार के माइनकॉन में एले जीत गया है और हमारा प्यारा कॉपर गोलम हार गया है। तो मैंने सोचा है कि आज हम कॉपर गोलम को ट्रिब्यूट देते हुए अपने वर्ल्ड में बनाएंगे एक कॉपर गोलम स्टैचू। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गया, पिछले एपिसोड के एंड में मैंने अपने इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा काम किया था। मैंने सेंटर में थोड़े से और टीएनटी डुप्लीकेटर्स को बनाया था, जिससे हमारा काफ़ी हद तक एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अरे, यहाँ पर एक रैंडम सा ब्लॉक भी है, चलो इसको तो हम रिमूव कर देंगे। हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने कौन से वाई लेवल तक, हमने वाई लेवल -21 तक डिक कर दिया है। अभी भी हमें काफ़ी ब्लॉक्स डिक करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं 1.18 में माइनक्राफ्ट का जो वाई लेवल है वो -60 तक जाता है। हमें यहाँ पर थोड़े से और TNT डुप्लीकेटर्स को सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आज की वीडियो का मेरा मेन गोल वो नहीं है। अरे, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ तो कोको से तो मिलना बनता है ना। हेलो कोको, हेलो। अरे तेरा नाम क्या था? अरे मैं भूल ही गया था, हमने इसका कोई नाम ही नहीं रखा। तो गाइस, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छा सा नाम है इस दूसरे पांडा के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ कोको भाई, क्या हाल चाल? अरे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे मैं। हेलो, चल आज मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, तो अभी के लिए बाय बाय। हाँ, तो मेरे पास कॉपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी मैं माइनिंग के लिए जाता हूँ मैं कॉपर को डायरेक्टली इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन आज फाइनली मुझे कॉपर के लिए कोई काम दिखा है, तो अब सबसे पहले मैं जाऊंगा थोड़े से कॉपर को माइन कर कराऊंगा। अरे अरे, रात होने लग गई है, उससे पहले हम सो जाते हैं जल्दी से। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस इसी समय उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। हमारे ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो ताकि हमारी कम्युनिटी पुश ओपन हो जाए। ओके, अब जल्दी से सो जाते हैं, डोर्स बंद। अब हम चलते हैं, एक अच्छी सी केव एंट्रेंस ढूंढते हैं और शुरू करते हैं अपने कॉपर को माइन करना। वेल, जहां तक मुझे लगता है हमें अराउंड 3 या 4 स्टैक्स या उससे ज्यादा कॉपर की जरूरत है। अरे कॉपर तो हमें अभी से मिलने लग गया। अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स यूज करता हूं मैं। हमारे पास टॉर्चेस भी नहीं है यार, टॉर्च बना कर आता हूं जल्दी से। अब जबकि मेरे पास टॉर्चेस भी हैं, मैंने सोचा कि यार मैं वहां पर क्या ढूंढता फिरूंगा किसी केव को, हम डायरेक्टली यहां से ही ढूंढ सकते हैं कॉपर को। सबसे पहले नीचे चलते हैं तो जरा देखे तो यहाँ कहीं कोई कॉपर है। अरे वो रहा कॉपर, अब डायरेक्टली हम उसके ओर चलेंगे। ये रहा हमारा कॉपर, जहां तक मुझे लगता है कि कॉपर को ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। वेल चलो, इससे थोड़ा सा तो इजी हो रहा है हमारे लिए, हमारे पास 12 कॉपर हो चुका है। हमारी हेल्थ इतनी कम कैसे हो गई? A few moments later. और अब मैं हूँ हमारे इस पिगलिन फार्म पर, क्योंकि यार मेरी पिकेक्स टूटने ही वाली थी, क्योंकि हमने ढेर सारा कॉपर माइन कर लिया है और हमारा कॉपर नीचे फर्नेसेस में है, वो वहाँ पर स्मेल्ट हो रहा है। मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं थोड़ा सा XP इकट्ठा कर लूँ। तो निकल यहाँ से। अरे हमारे पास ढेर सारा कॉपर ऑलरेडी होने लग गया है। हमारा कॉपर अभी भी स्मेल्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास फिर भी काफ़ी कॉपर अभी से ही इकट्ठा हो गया है। अब मैं करूँगा वेट हमारे इस कॉपर के स्मेल्ट होने का। अब हमारे पास ढेर सारा कॉपर भी है, मतलब हमारे पास वो सभी मटेरियल है जो हमें चाहिए इस कॉपर गोलम को बनाने के लिए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉपर गोलम को बनाए कहाँ। अरे यहाँ पर बनाऊँगा मैं अपने कॉपर गोलम को। हाँ यहाँ पर बनाऊँगा मैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं कॉपर गोलम हमारे प्यारे से कॉपर गोलम की याद में। तो मैं इस कॉपर गोलम के स्टैचू का साइज थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा, क्योंकि जो कॉपर गोलम माइनक्राफ्ट ऐड करने वाला था वो बड़ा ही क्यूट सा था, तो मैंने भी सोचा कि इस स्टैचू को थोड़ी सी क्यूट सी लुक दूं। और इसी के साथ ही हमारा कॉपर गोलम का स्टैचू हो चुका है कंप्लीट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी लुक कॉपर गोलम की तरह बड़ी ही क्यूट सी रखी है। और
हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉपर ब्लॉक ऑक्सीडाइज क्यों होने लग गया है, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ कि ये ऑक्सीडाइज हो। मैं चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली एक ऑक्सीडाइज कॉपर की फॉर्म में हो जाए, ताकि ये थोड़ा सा पुराना लगे। और अब जबकि हमारा ये स्टैचू भी बिल्ड हो चुका है, अब हम बनाएंगे इसके लिए एक कबर। और उसके लिए हमें कोरस डर्ट चाहिए ना, ये रही थोड़ी सी डर्ट, अब चाहिए थोड़ी सी ग्रेवल। ग्रेवल ये रही। और अब मैं बनाऊंगा एक साइन, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा थोड़ी सी कोर्स डर्ट और इसे यहाँ पर फिल कर दूंगा। और यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगा रेस्ट इन पीस कॉपर गोलम। देखने से तो अच्छा लग रहा है। और अब मुझे यहाँ पर बस एक फ्लावर प्लांट करना पड़ेगा। इसका साइज तो काफी अच्छा है, हम दूर से देख सकते हैं कि वहां पर एक कॉपर गोलम है। वेल कॉपर गोलम, मैं चाहता था कि तुझे वो माइनक्राफ्ट में ऐड करते, लेकिन सैडली एलए जीत गया, लेकिन फिर भी तू मेरे दिल में हमेशा रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, और तेरी याद में ही मैंने एक स्टैचू बनाया है तेरा। और इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ ढूंढना एक ग्लो स्क्विड, क्योंकि हम उसकी इंक के साथ इस साइन को ग्लोइंग बना सकते हैं। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ एक ग्लो स्क्विड को, और फाइनली मुझे 4 ग्लो स्क्विड की इंक मिल चुकी है। और इसका मतलब अब हम इसे यूज कर सकते हैं अपने इस साइन पर। अब ये काफी अच्छा लगने लग गया है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही करते हैं हम अपने आज के इस एपिसोड को एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया है। चलिए गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।